यस, बताओ कैसे हो आप सब, क्या कर रहे हो आजकल? छुट्टियां एंजॉय या फिर पढ़ाई या फिर क्लासेस, कुछ भी क्या कर रहे हो? इंजॉय नहीं हो रहा मैम। सबको वैसे गुड हम इवनिंग, ऑनलाइन क्लास कभी चैट बॉक्स में गुड इवनिंग का मैसेज आया, सबको गुड इवनिंग, जिसका नहीं आया उसको भी गुड इवनिंग। चलो हाँ, अब बताओ क्या चल रहा है तुम्हारा, ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम स्कूल और यस ज्वेल? तो सारा डेटा तो अब तुम्हारा क्लासेस में ही खत्म हो जाता होगा। सुबह की क्लासेस में ही बहुत सारा डेटा खत्म हो गया मैम। अब की तो शायद ही बच पाएगा अच्छा, मैम। चार चार क्लासेस होती है। ओ, चार स्कूल की हो गई, दो ये वाली हो गई, मैम मेरी तो 6 होती है क्लासेस इन टोटल 6 होती है या स्कूल की ओनली? मैम, ओनली स्कूल की 6 है, मैम। मैम स्कूल यहाँ की 6 से होती आठ है। हो जाती है, 8 हो जाते हैं टोटल अच्छा, एग्जाम। कहाँ रह गए भाई बाकी सब? पता नहीं होता क्या तुम्हारे को, 7 बजे क्लास होती है तुम्हारी, टाइम पे आया करो सब। मैम हमें तो पता रहा कि हम कहाँ जाते हैं। इसी वीक है कि तुम्हारा वो स्कूल फ्रॉम होम या फिर वो है अभी चलेगा? मैम ये एक हफ्ते के लिए है, ज्यादा हमें नहीं भी है। पता पता नहीं है, अभी एक्सटेंड भी हो सकता है नहीं। मैम। ओके, कोई पढ़ता रहेगा फिर, ये ऐसे घर पे बैठे रहते। डेट नहीं आया मैम अभी। अच्छा, ठीक है जी, चलो थोड़ी देर, 1-2 मिनट वेट करते हैं, आने दो सबको। कैमरा ऑन करके बैठ जाया करो सब, ऐसे बंद करके बैठते हो कैमरा जैसे। तो मैम कोई एक ओपन कर लेता, बाकी घंटे फायदे नहीं। माइक अपना बंद कर लिया करो, कैमरा ऑन कर लिया करो ना, मैम कैमरा दिखे दिखाने लायक भी तो नहीं है कुछ। क्या। मैम बोल रहा है शकल दिखाने लायक नहीं। हाँ हाँ सही बात। बात तो सही है। ओके, कल वाला होमवर्क करके आए हो? सन्नाटा मैम कर लिया। कल किसी ने कोई डाउट तो भेजा है नहीं, वैसे बोलते रहते हो मैम मैम वैसे क्या भेज। फायदा करने का, वो एक बंदा कर लेता है बाकी सारे बंदे रह जाते हैं, फिर क्लास में दोबारा सॉल्व होता है। तो हाँ मैं क्लास में ही कर लेता हूँ। तो फिर ट्राई भी नहीं करोगे आप? हाँ ट्राई करता हूँ, देख के आ जाता हूँ। अच्छा, आज इतने कम लोग कैसे हैं क्लास में, बाकी सब कहाँ गए? शायद नेट खत्म हो गया होगा, यस मैम उनका डेटा खत्म हो गया होगा। चलो इतने होमवर्क क्वेश्चंस ही स्टार्ट करते हैं, आ जाएं सब। अब जो नहीं आए देयर लॉस कि टाइम पे क्यों नहीं आ रहे हैं। चलो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम आज क्या पढ़ेंगे। टुडे वी विल डिस्कस डोमेन रेंज एंड ग्राफ ऑफ टी फंक्शंस, वो जो टी रेशियोज हमने 6 पढ़े थे ना, ठीक है, उनके ग्राफ पढ़ेंगे, डोमेन पढ़ेंगे, रेंज पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या देखा था कल वाले लेक्चर में, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कर चुके हम लोग, है ना, सबको याद है? यस मैम। तो फिर जल्दी से मुझे बताना, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, इट विल बी इक्वल टू व्हाट? टू साइन हाँ टू बताओ साइन बताओ, बोलो। मैम टू साइन ए कॉस बी। टू साइन ए कॉस बी, सेकंड वन कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, बोलो क्या मैम टू आएगा कॉस इसका? और बी कॉस कॉस ए कॉस बी 2 नहीं आएगा? मैम आएगा ना। बोल यस मैम 3 बार बोल दिया मैंने। मैम बोल गया था, सुना तो मुझे एक बार ही है। नहीं मैम बोला था। चलो आगे चलते हैं, आज हम क्या पढ़ेंगे ना, आज हम पढ़ेंगे डोमेन रेंज, मैम सबसे पूछ लिया करो बारी बारी। ठीक है, ग्राफ ऑफ टी फंक्शंस और हाउ टू फाइंड रेंज। अगर मैं एक एक बच्चे से पूछने बैठ गई ना, फिर तो पूछते ही रह जाएंगे पूरे 1.5 घंटे। नहीं करेंगे बच्चे। नहीं मैम पहले जैसे मान लो एक बंदे से पूछ लिया, फिर अगले बार में अगला बंदा। ठीक है, चलो वेटेज की बात करें तो भाई 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का, 3.3% ऑफ वेटेज, है ना। अभी डेली को अब मुझे जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है। मैम 5
यस द आंसर इज 5, बाकी सबका हुआ है यस और नो? यस मैम हो गया, आलोक का हो गया, आलोक का रेगुलर है वैसे काम, और जिसने भी आंसर बताया आई थिंक इट्स दिव्या, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस वेरी गुड। चलो मयंक आप ही बता दो, दिस इज कोस ऑफ 3x कोस ऑफ प्लस कोस ऑफ 2x इज इक्वल टू साइन ऑफ 3x बाय 2 प्लस साइन ऑफ x बाय 2, ठीक है? तो ये हो गया कोस सी प्लस कोस डी, इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ? याद नहीं आ रहा मैम। 2 cos x 3x plus 2x by 2 और cos 3x minus 2x by 2। Yes। This is 3x minus 2x by 2। यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes or no? Yes ma'am। इक्वल क्या लिखे? Sin 3x by 2 plus sin x by 2। मैम इसमें भी लग जाएगा। हाँ मैम क्या क्या फॉर्मूला आएगा यहाँ पे? मैम 2 साइन 3x बाय 2 प्लस x बाय 2 बाय 2 कॉस 3x बाय 2 माइनस x बाय 2 बाय 2। सही है ये? यस मैम। यस तो जो लोग काम नहीं करके आ रहे ये उनका लॉस है, ये मत सोचना मेरा कोई लॉस है इसमें। कॉस के आएगा ना? यस बोलो। हाँ हाँ माइनस लगा रही हूँ, जस्ट अ मिनट। तो जो लोग रेगुलर नहीं करके आ रहे हैं ना, तो इट्स ऑल अप टू यू, देयर लॉस। रोज रोज मैं तुम्हें होमवर्क दे रही हूँ, नहीं करके आ रहे हो, कोई वो नहीं बन रहा ना, क्लास लेने का सेंस ही नहीं बन रहा। तुम कल वाला तो भूल ही जाते हो, पूछने बैठो तो फिर मैम टाइम नहीं था, स्कूल का काम था। 2 क्वेश्चन करने में कितनी देर लगती है तुम्हें? मैं तो देती भी नहीं हूँ ज्यादा, 10-12 क्वेश्चन तो मैं देती ही नहीं हूँ, सो दैट आप 2 क्वेश्चन तो करके आओ। चलो यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज 5x बाय 2 एंड दिस इज x बाय 2 राइट, इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2 साइन कितना है यहाँ पे, कैलकुलेट करो ये बताओ। 2 साइन x cos x बाय 2। नमस्ते मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, ये क्लियर है यहाँ तक सबको? यस मैम। तो इसके बाद क्या स्टेप किया, जिसने भी सोल्व किया इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, यस और नो? यस मैम। क्या कॉमन आ रहा है मैम? कॉस एक्स बाय टू। कॉस एक्स बाय टू और ये 2 दोनों में कॉमन है ना? यस मैम। तो इसको हम बाहर लिख देते हैं, cos of 5x by 2 minus sin of x is equal to 0. Is that clear? जो नहीं करके आए वो लोग भी देख ही लो। मैम कट नहीं कर सकते इसको इक्वल टू के दोनों साइड? नहीं ऐसे नहीं जाएगा, क्योंकि हमें पता नहीं है ना, 0 से 2 पाई है, वैल्यूज रिपीट भी तो कर सकती है वो पाई प्लस समथिंग करके, समझ लो? यस मैम। तो या तो क्या होगा, 2 cos x by 2 0 होगा, या फिर cos 5x by 2 minus sin x 0 होगा, है ना? दोनों का प्रोडक्ट 0, तो या तो ये 0 या फिर ये 0, यस और नो? यस मैम। अब cos of x by 2 0 कब होगा, इन 0 टू 2 पाई, बताओ जब x by 2 की वैल्यू क्या होंगी? मैम 180। दिस इज पाई बाय 2 या फिर 3 पाई बाय 2, यस और नो? यस मैम। बट अगर हम x की बात करें तो x विल बी पाई और 3 पाई, ये तो बिलोंग नहीं करता ना, ये वाला तो बिलोंग ही नहीं करता 0 से 2 पाई के बीच में, यस मैम। यस और नो? तो यहां से x की कितनी वैल्यूज आ गई, दैट इज पाई, एक वैल्यू। क्लियर है ये सबको? यस मैम। बताते जाओ सब, ये जो नहीं करके आए ना वो भी देख लो। हाँ मैम। ये मैंने कर दिया ना, मुझे इसका सॉल्यूशन बताओ, cos of 5x by 2 will be equal to sin x, इससे मैंने लिखा, ठीक है?
एक्स की कितनी वैल्यूज होंगी कि ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई होगी इन 0 से 2 पाई, नंबर ऑफ वैल्यूज बता दो मुझे, और ये बताएंगे मुझे इधर आयुष, धनंजय, अंशिका, सत्यम, आदित्य, तुम लोग बताओगे और चैट बॉक्स में बताओ। मैम बता रही हूं। मयंक तुम भी, तुम क्या बताना है? वैल्यूज के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, cos 5x by 2 is equal to sin x। जो लोग करके आए वो नहीं बोलेंगे। रोज रोज तुम्हें होमवर्क दो, तुम करके आते नहीं हो, इतना लीनियंट लेते हो, फिर कहते हो सबसे पूछा करो, एक एक से पूछने लग गई ना तुम्हारी तो हो गई क्लास आगे का, हो गया आज काम फिर तो। मैम अगर हम इस वाले क्वेश्चन को जनरल सॉल्यूशन वाले मेथड से करते, उस पे भी आएंगे, बट अभी आपको 0 से 2 पाई इंटरवल दे रखा है ना, तो उसमें बताओ, जनरल सॉल्यूशन पे भी आऊंगी मैं, वो इससे नेक्स्ट टॉपिक बनेगा आपका जनरल सॉल्यूशन, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन पे बात करेंगे, ठीक है? ओके मैम। आया मयंक, आप बताओ कितनी वैल्यूज आएंगी? हाँ मैम अभी रुक जाओ, ऊपर से ना लग गया। यस, किसका हुआ? आयुष तुम बताओ। नहीं आ रहा मैम, थोड़ा गलत हो गया शायद। कौन बताएगा एक्सेप्ट दिव्या ना लोक? बातें जितनी करा लो इन लोगों से। यहां देखो, दिस इज कोस ऑफ 5x बाय 2, साइन x को कोस की टर्म में कैसे लिख सकती हूँ कंपेयर करने के लिए, बताओ बताओ जल्दी। आप बताओ दिव्या। मैम कोस पाई बाय 2 माइनस x लिख सकते हैं ऐसे, यस और नो? यस मैम। When you put the values of x in 0 to pi, the value will be, this is pi by 7. Solve तुम ही करोगे इसको, मैं नहीं करके दे रही अब तुम्हें ये वाला। This is 5 pi by 7, 9 pi by 7 and 13 pi by 7. ये चार values होंगी जो इस condition को satisfy करेंगी। जैसे ये होगा किसका multiple? 4n plus 1 pi by 7 का, ठीक है? तो total solutions जो आएंगे, इन टोटल चार तो आएंगे हमारे इस वाले स्टेप से, एक आएगा इस वाले स्टेप से, इन टोटल वी हैव 5 सॉल्यूशंस। तो आपका होमवर्क ये है कि इसको फाइंड आउट करो, एक एक वैल्यू को पुट करो एंड सोल्व करो। क्लियर है सबको? यस मैम। जो लोग नहीं करके आए वो भी बोलो ना, मयंक, आदित्य, धनंजय, आयुष। यस मैम। Is that clear? पीरबख्श आप कहाँ थे? 2-3 दिन से क्लास में नहीं थे आप। मैम वो कुछ काम था। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका आंसर कौन देगा? क्या आया इसका आंसर? चैट बॉक्स में। आलोक इज सेइंग डी, एनीवन एल्स? इतने लोगों की क्लास में बस एक नहीं आंसर देना है क्या? अब्दुल्ला आप बताओ, होमवर्क नहीं किया आपने? आदित्य, एंजल, अरीबा है क्लास में? यस बोलो। यस मयंक, कैसे किया इसको सोल्व बताओ। टर्न ऑन योर माइक।
ओके दिव्या, मैं अभी करा दूंगी। यस मयंक, आप बताओ इसके आगे कैसे सोल्व किया जो दिव्या का क्वेश्चन है, टेन ऑफ एक्स प्लस वाई बाय टू इज इक्वल टू वन बाय टू, इसके आगे का स्टेप क्या किया था आपने? करो ऑन माइक, ऑन करो। बस क्वेश्चन पूछ लो तो सब शांत, वैसे कितनी बातें करा लो इन लोगों से। कोस ऑफ सी प्लस कोस डी क्या होता है बताओ मयंक, आप ही बताओ। कोस सी प्लस कोस डी क्या लिखूं इस स्टेप में? टू कोस सी प्लस डी बाय टू इंटू में कोस सी माइनस डी बाय टू। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या लिखूं अब? टू कोस x plus y by 2, yes, and here cos x minus y by 2 minus y by 2 is equal to 3 by 2। यहाँ तक clear सबको? yes। एक और equation है हमारे पास, sin of x plus sin of y is equal to 3 by 2, 3 by 4, इसको कैसे लिखना है कौन बताएगा? मैं आदित्य। बोलो कौन बताएगा, हैंड रेज करो फिर हम वोट करते। 2 sin x plus y by 2 into में cos x minus y by 2। यस बोलो, कौन मैम बोल रहा था? यस धनंजय बोलो। मैम 2 sin x plus y by 2 cos x minus y by 2। मैम ऊपर वाले के जैसा ही है, बस आगे वाले कोस की जगह साइन लगाना है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? यस और नो? नो नो मैम, नो मैम। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, लेट अस से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अगर हम डिवाइड कर दे 2 बाय 1 तो हमें क्या मिलेगा? टेंजेंट ऑफ एक्स प्लस वाई, टेंजेंट ऑफ एक्स प्लस वाई बाय 2 इज इक्वल टू 3 बाय 4 डिवाइडेड बाय 3 बाय 2, 2 बाय 1 किया हमने। इज दैट क्लियर? यस मैम। क्यों किया अभी समझ आ जाएगा। दिस इज क्या बनेगा इसको सोल्व करने पे? 1 बाय 2। यहाँ तक आ गया 1 बाय 2। यस, अब हमें ये पता है साइन ऑफ 2 थीटा टेंजेंट की फॉर्म में क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी से बता दो, कौन बताएगा? यस अरिबा, आप बताओ। यस अरिबा, आप बताओ। ओके आलोक, यस धनंजय की टर्न आ गई थी एक बार। मैम 2 tan डिवाइडेड बाय में 1 प्लस में tan स्क्वायर है, ये क्लियर है सबको? यस और नो? यस मैम। बस हमारे पास टेंजेंट ऑफ x प्लस y बाय 2 की वैल्यू है, साइन ऑफ x प्लस y क्या हो जाएगा? 2 टेंजेंट ऑफ x प्लस y बाय 2 आधा हो जाएगा ना एंगल का, यस और नो? यस मैम। यहाँ तक सबको क्लियर? यस मैम। यस मैम। तो अब बता दो जल्दी से कैलकुलेट करके फिर वैल्यू क्या आएगी? 4/5। इट इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। ऑल क्लियर? बोलते जाओ मैम। एक बार रिपीट करना। हाँ जी, किसको रिपीट करना? कहाँ से दिव्या? मैम यही साइन टू थीटा से। साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टेंजेंट ऑफ थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ऑफ थीटा, है ना? तो यहाँ पे 2 थीटा हमने x प्लस वाई लिया, तो टेंजेंट के साथ जो थीटा था वो, जब 2 थीटा ले रहे थे साइन के साथ तो टेंजेंट के साथ आधा आ रहा था ना एंगल का, दैट इज थीटा। क्लियर? ट्वाइस थीटा ना, सो वहां पे x प्लस वाई बाय 2 की वैल्यू आ गई टेंजेंट ऑफ x प्लस वाई बाय 2, एंड वी नो कि अभी आई है उसकी वैल्यू 1 बाय 2। इज दैट क्लियर? यस अब्दुल्ला, आपको कहां डाउट था? दिव्या आपको क्लियर है? यस मैम। ओके अब्दुल्ला, यस आप बताओ कहां डाउट है?
आवाज स्किप हो रही है, आप टाइप कर सकते हो इन केस। बाकी सबको क्लियर है? यस मैम। आगे चले। यस मैम। चलो नाउ अब हम पढ़ेंगे ग्राफ्स, ठीक है? सबने देखे ही होंगे वैसे तो अब साइन एक्स के ग्राफ, डोमेन एंड रेंज, है ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, जैसे देखो हमने एक सर्कुलर सिस्टम पढ़ा था ना, ये 0 से 2 पाई, यस और नो? एंड बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। मेरे यहाँ से तो बैकग्राउंड नॉइज नहीं होगा, जिसके यहाँ से आ रहा है अपना माइक ऑफ कर लो। चलो हमने एक सर्कुलर सिस्टम पढ़ा था, सबको कुछ कुछ याद आया जब हम साइन एक्स कोस एक्स का वो निकाल रहे थे वैल्यूज, यस और नो? यस यस। इसमें हमारा रेडियस वेक्टर ऐसे ऐसे मूव करता है, मतलब थ्रू आउट द सर्कल, है ना? तो ये वैल्यूज कहां से लेते हैं? जीरो से लेके टू पाई तक, ठीक है? फिर आगे वो फर्दर दोबारा से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाती है। सबको क्लियर है? जब हम जीरो से टू पाई जाते हैं तो जैसे जैसे हम वैल्यूज लेंगे, फॉर एग्जाम्पल हेयर आई एम टेकिंग पाई बाय टू, जैसे कि यहाँ पे, तो यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या होती है? वन, यस और नो? पाई बाय फोर लेंगे तो वैल्यू क्या आएगी कहीं पे? वन बाय रूट टू, यस मैम, है ना? ऐसे ही जैसे जैसे हम इस सर्कल पे मूव करेंगे, इस वाले सर्कल पे हमारी जो वैल्यूज हैं वो पहले तो बढ़ेगी, फिर क्या होगी? जैसे देखो यहाँ पे हम लोग गए, एक बार मैं इसको थोड़ा सा साफ सुथरा वे में बना देती हूँ। जब हमारा वो जो रेडियस वाला वेक्टर था वो हमारा इस वाले क्वाड्रेंट में मूव कर रहा था, वैल्यू क्या हो रही थी? इंक्रीज, इंक्रीज हो रही है ना ये वाली वैल्यू, यस और नो? यस मैम। जैसे जैसे हम इधर गए वैल्यू क्या होने लग गई? डिक्रीज। दिख रही है सबको? यस मैम। तो यहाँ पे क्या आ गया? एक डिक्रीजिंग पॉइंट। फिर वो कहाँ पे आ गई? पाई पे, मतलब जीरो, है ना? फिर वो क्या हुआ? इंक्रीज यहां से, फिर से वो यहाँ पे डिक्रीज होनी शुरू हुई माइनस की तरफ, एंड देन इट स्टार्ट्स रेजिंग। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? मैम रिपीट कर देना। देखो हमें को ये दोबारा से बनाना पड़ेगा, कितनी बार रिपीट कराओगे? चलो यहाँ देखो, हमने सर्कुलर सिस्टम पर पढ़ा था कि कैसे हम साइन थीटा कोस थीटा निकालते हैं। दिस इज आर सर्कल, जो कि सर्कल नहीं लग रहा, आप मान लेना, लेट अस कंसीडर, ठीक है? अजम्पशन इज नॉट रॉन्ग। तो चलो जैसे हम इस यहाँ पे जीरो से पाई बाय टू के क्वाड्रेंट में मूव कर रहे हैं, हमारी वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है ना, यस और नो? यस मैम। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी वैल्यू क्या हो गई? इंक्रीज। ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट तक की वैल्यू। फिर हम गए इधर सेकंड क्वाड्रेंट, पाई बाय टू से पाई, वैल्यू क्या होने लगी? डिक्रीज। दिख रहा है सबको? यस मैम। तो यहां से हमारा ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, इज दैट क्लियर? दिस इज पाई। फर्दर हम यहां गए पाई से थ्री पाई बाय टू, दिस इज थ्री पाई बाय टू हमारा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है? ये नेगेटिव में तो वो नीचे की साइड जा रही है ना, तो डिक्रीज ही होगी, यस और नो? लाइक दिस। यस मैम। फिर इस फोर्थ क्वाड्रेंट में, दिस इज आर थर्ड वाला क्वाड्रेंट, और यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में आए तो वैल्यू फिर से क्या होने लगी? डेजी, यहाँ से इंक्रीज होने लगी। ये क्लियर है सबको? यस मैम। तो अब तुम यहाँ देख रहे हो कि हम डोमेन में तो कोई भी अगर रियल नंबर, अच्छा अब हम फिर नेगेटिव वाली साइड गए, फिर से वही सेम चीज आएगी, एंगल ही तो चेंज होगा, वो उल्टा ही हो जाएगा ना, है ना?
क्या होगा इसकी मिरर इमेज ना वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा हो जाएगा जब थीटा को नेगेटिव करेंगे, यस और नो बोलो। जैसे जैसे हम लेंगे, अब हमने इस वाली साइड तो एंगल पॉजिटिव लिया था, इस साइड ये लिया नेगेटिव, तो दिस विल बी नेगेटिव ऑफ साइन थीटा ना, है ना, इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे वो मिरर इमेज वाला हमने किया था ना, वाई इज इक्वल टू वो वाला एक्स और माइनस एक्स वाला, कि एक्स के लिए तो ग्राफ ऐसे जाता है, नेगेटिव ऑफ एक्स के लिए ऐसे जाता है। क्लियर है सबको, उल्टा हो जाता है। तो अल्टीमेट हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं ना डोमेन में, तो है ना, लेकिन हमारे को वैल्यू साइन क्या करके दे देगा, कौन सी रेंज में जाएगी वैल्यू, माइनस वन टू वन, इधर से लेके इधर तक। क्लियर है सबको, ये देखो यहाँ नीचे हम ड्रॉ कर देते हैं एक लाइन, इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी, यस और नो? यस मैम। यस मैम। चलो अब हम चलते हैं कोस एक्स वाले ग्राफ पे। कोस एक्स वाले ग्राफ पे क्या हुआ, जब हमने जीरो वैल्यू ली थी तो आंसर क्या था, वन, लाइकवाइज। फिर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होने लगा, ये डिक्रीज, कैसे, यही हमारा सर्कुलर सिस्टम था, ये जो वैल्यू थी हमने इसको माना था ना बी, यस और नो? तो जैसे जैसे हम ये वेक्टर छोटा करते जाएंगे इसका साइज रिड्यूस होता जाएगा ना, मतलब विड्थ छोटी होती जाएगी। क्लियर है सबको? देखो ये वेक्टर था पहले, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, तो पहले तो ये बी थी, फिर इतनी रह गई, फिर इतनी, काइंड ऑफ, देख रहे हो, यस और नो? यस मैम। तो अल्टीमेट वैल्यू स्टार्ट्स डिक्रीजिंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज ये वाला, फिर इट स्टार्ट्स वही कि डिक्रीज ही करेगा सेकंड में, दिस इज आवर थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज आवर फोर्थ क्वाड्रेंट, इज दैट क्लियर? बोलते जाओ। यस मैम। जैसे ही हम नेगेटिव लेंगे तो फिर से वही, कोस तो चेंज करता ही नहीं ना, कोस ऑफ माइनस थीटा विल बी इक्वल टू कोस ऑफ थीटा एज इट इज, उसने ग्राफ रख लिया, है ना, क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। डोमेन विल बी सेम, रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, रेंज विल बी, यहाँ पे भी तुम देख रहे हो वन से वन और माइनस वन के बीच में ही वैल्यूज जा रही है, दिस इज माइनस वन ना, क्लियर है ये? यस मैम। चलो अब हम चलते हैं टेंजेंट ऑफ एक्स। तो टेंजेंट ऑफ एक्स क्या कर रहा है, वो देखो जैसे ही हमने जीरो वैल्यू ली तो ये जीरो देगा, पाई बाय फोर लेंगे तो वो साइन पाई बाय फोर, कोस पाई बाय फोर, उस टर्म में जाएंगे हम, है ना, और अगर हमने पाई बाय टू ले लिया, टेंजेंट ऑफ पाई बाय टू, दैट विल बी अनडिफाइंड ना, ये देखो ये चलते जा रहा है ऐसे सीधा सीधा, जब टू द लाइन ही, जितनी लंबी लाइन जाएगी उसके साथ चलते जाएगा, ठीक है। लाइकवाइज माइनस पाई बाय टू लेंगे तो ये नीचे की साइड चलते जाएगा, ये क्लियर है सबको, यस और नो बोलो? yes, जाग रहे हो सब? यस मैम। एक बोलोगे यस, यस कर रहे हैं। यस मैम। डोमेन क्या है इसमें, साइन में, ये सॉरी टेंजेंट में, इसको ये किसके फॉर्म में होता है, साइन एक्स बाय कोस एक्स, तो मेरे को इसकी डोमेन बता दो, कौन कौन से आएंगे रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स हैं क्या? नो मैम। क्या माइनस करूं, टू एन प्लस वन पाई बाय टू, जिसमें कोस हमारा क्या हो रहा है, जीरो, एन क्या है, इंटीजर्स, ये एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, ये सबको क्लियर है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू, इवन क्यों नहीं है, इवन होते ही जैसे मैंने टू पाई बाय टू लिखा, ये तो कट गया, बचा पाई, क्लियर है सबको? यस मैम। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग ऑड मल्टीपल्स। ओके, इसकी रेंज क्या है, रियल नंबर, यस, सेट ऑफ रियल नंबर, ये इनफिनिटी टू माइनस इनफिनिटी, इन माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी सारी वैल्यूज दे रहा है ना y एक्सिस पे, जब भी डोमेन की बात करते हैं हम x एक्सिस पे जाते हैं, जब भी रेंज की बात करते हैं हम किस पे जाते हैं, y एक्सिस पे, क्लियर है सबको? यस
यस मैम। चलो अच्छा, अभी हमने साइन कोस और टेंजेंट ये तीन ग्राफ देख लिए, ठीक है। कोसिकेंट का क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, ये हमारा साइन का ग्राफ था, यही था ना साइन का ग्राफ। कोसिकेंट क्या है, उसका उल्टा, ठीक है। तो कोसिकेंट में अब हमारी डोमेन क्या होगी, दिस इज वन अपॉन साइन ऑफ एक्स मैम, आर माइनस एन पाई, आर माइनस एन पाई। क्यों, क्योंकि साइन ऑफ एन पाई कितना होता है बताओ, साइन ऑफ एन पाई कितना हो जाएगा, जीरो, जीरो। तो अगर ये जीरो हो गया तो फिर ये अनडिफाइंड हो जाएगा ना, येस और नो, बोलो। ओके, तो व्हाट विल बी द रेंज, रेंज क्या होगी कोसिकेंट ऑफ एक्स की, आर माइनस माइनस वन, आर माइनस माइनस वन वन, ये यस मैम। श्योर हो? नो मैम, नो मैम, थीटा आएगा इसका, तो क्या होगी फिर, ये सेट होगा मैम, ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, सॉरी मैम, ब्रैकेट, मैंने सेट बोला नहीं था कि मैम ओपन होंगे, क्लोज ब्रैकेट होंगे, कौन बताएगा मैम, ओपन ब्रैकेट होंगे, ओपन क्यों होंगे, बोलो बोलो जल्दी, क्लोज मैम, ओपन होंगे, ओपन होंगे, ओपन है। पहले तो अपना ये जो बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है इसको थोड़ा बंद कर लो, और जिसकी साइड से भी आ रहा है अपना एक बार माइक को ऑफ रख के फिर आंसर करो। मैम ओपन आएगा क्योंकि कोसेक 90 की 1 होती है वैल्यू, तो हमारे पास क्या आएगा, लाइक दिस, इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी, यस मैम, यस मैम। अच्छा ये बताओ, आर दे इक्वल, नो मैम, नो मैम, नो मैम, नो मैम, क्यों मैम, वो तो सेट है मैम, ये दो एलिमेंट मैम, एक में और ये इसके बीच के जितने भी एलिमेंट्स है सारे भी है, यस तो उनको काउंट नहीं करेंगे, ओपन ब्रैकेट है इसलिए, यस मैम, माइनस वन और वन नहीं आएगा, यस यस मैम। वैसे मैंने सेट बोला नहीं था, आपने अपने आप ही लिख दिया था। अच्छा चलो, इसका ग्राफ वही जो हमारा कोस वाला था ना, इस ये हम मिटा देते हैं, ये एक बार ग्रीन वाला ना, ये तो जस्ट टू अंडरस्टैंडिंग वाला था। हाँ, यहाँ पे कोस का ग्राफ हमारा ये होता था ना, यस और नो, लाइक दिस, है ना, वो सीकेंट एक्स तो कोस का उल्टा होता है, तो इसने क्या दे दिया, दिस इज रिवर्स, ठीक है। तो इसमें अब मेरी डोमेन क्या होगी, जल्दी से बता दो, सेट ऑफ रियल नंबर्स, नो मैम, क्यों, हम इसमें सिंपलाइज करेंगे, माइनस 2n प्लस 1 पाई बाय 2, हाँ यही यही यही, ओके एन कहाँ से आएंगे, होल नंबर, ये सॉरी इंटीजर्स मैम, जेड से, जेड जेड ऑन बिलोंग्स टू जेड, व्हाट इज द रेंज हियर, सेम आर माइनस 1.1 का ओपन ब्रैकेट, ऑल क्लियर टू एवरीबॉडी, यस मैम। Now this is the cot function that is equal to cos x upon sin x. तो हमारा जो उसका ग्राफ था tangent of x का वो लाइक ये था, है ना? ये ग्रीन वाला दिख रहा है सबको, तो cos x क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट, ये cot x। तो इसमें हमारी डोमेन क्या हो जाएगी, r minus n pi, r minus n pi, where n belongs to z, Z, and what will be the range here? Mam R. Set of real, real number. That minus infinity to infinity. Is that clear? Yes, ma'am. चलो ये बताओ, ऐसे कौन से दो फंक्शन हैं अभी तक जिनकी डोमेन सेम है?
मैम ये टेन और कोट मैम मतलब टेन और कोट आर यू श्योर कॉस मैम कोसेकेंट एंड ऐसे कौन से दो फंक्शंस हैं पेयर बताना है एक पेयर बताओ दो पेयर है हमारे पास जिनमें डोमेन सेम है टेंजेंट एक्स के साथ मैम कॉस और सेम है और कोट एक्स सेक और साइन कॉस टेन के साथ कौन क्या आना चाहिए जिसकी डोमेन सेम है अगर रिलेशन ये है तो सेक कि डोमेन्स आर सेम मैम सेक मैम सेक टेन के साथ सेक मैम सेक मैम सेक आएगा यस मैम कोस क्योंकि इसके भी बेस में कोस है यस मैम और इसके भी बेस में कोस है अच्छा यहाँ पे फिर क्या आएगा कोसिकेंट यस और नो यस मैम यस हम दोनों के बेस में साइन है यस 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 चलो ये तो थे हमारे ग्राफ्स डोमेन एंड रेंज आज हाँ मैम एक बार टेन का और सेक का ग्राफ दिखा देना जस्ट अ मिनट ये लो ठीक है और सेक का क्लियर यस और नो बोल तो दो टेन 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 एक सेकेंड ओके मैम ऑल डन चलो अब हम पढ़ेंगे कि हम रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे अगर हमारे पास जो टी फंक्शंस है उसमें थोड़े से चेंजेस कर दे इन टर्म्स ऑफ एंगल्स या फिर फंक्शंस जैसे हमने वो पढ़ा था ना वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स है ना तो इस केस में जब भी हम एंगल को मल्टीप्लाई करते हैं ना आवाज आ रही है सबको यस मैम इस केस में जब हम एंगल को मल्टीप्लाई करते हैं ना इसको एक्स को किसी भी ए से ए कोई भी रियल नंबर ठीक है तो हमारी जो इसकी रेंज होगी ना मैम रेंज सेम रहेगा रेंज विल सेम इज दैट क्लियर बट इफ हम को बाहर मल्टीप्लाई कर दे विद ए इन दैट केस रेंज विल बी इक्वल टू माइनस ए टू ए क्लियर है सबको बोलो यस मैम जल्दी से मुझे ये बताओ बट रेंज ऑफ साइन फाइव एक्स माइनस मैम माइनस वन कॉमा वन क्लोज ब्रैकेट यस एंड व्हाट विल बी द रेंज ऑफ कोस फोर एक्स माइनस फोर टू फोर ये सबको क्लियर है ठीक है अगर अब हम ऐड करते कुछ लाइक दिस दिस इज साइन एक्स प्लस ए तो हमारी रेंज क्या हो जाएगी दिस इज माइनस वन साइन एक्स की होती है हमारे पास माइनस वन टू वन है ना तो इन दैट केस द रेंज विल बी माइनस वन प्लस ए टू वन प्लस ए इज दैट क्लियर यस मैम यस मैम तो All I can write it as like this. Clear है सबको? But in terms yes, of sin square x, अब sin x की तो मेरी जो range थी ना वो minus one to one थी. But what about sin square x? In that case the range will be? Ma'am, 0, 1. Yes, it will be 0, 1. ठीक है? Clear है? Likewise for cos square x. The range will be 0, 1. तो मुझे ये बताओ cos x plus 5 की रेंज क्या होगी आंसर इन द चैट बॉक्स दोनों की ए पार्ट बी पार्ट
चलो इसकी रेंज कोस एक्स की रेंज क्या होती है, माइनस वन टू वन प्लस फाइव है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस वन प्लस फाइव टू वन प्लस फाइव है ना. सो अल्टीमेट इट विल बी इक्वल टू क्लोज इंटरवल फोर टू सिक्स. एंड व्हाट अबाउट द रेंज ऑफ द टेंजेंट स्क्वायर एक्स, इट विल बी इक्वल टू जीरो टू इनफिनिटी. जीरो कॉमा इनफिनिटी. जीरो टू इनफिनिटी. जीरो इज इंक्लूडेड नो? यस मैम. यस मैम. यस गुड. नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन देन. इसमें मिनिमम वैल्यू पूछा है तो यू हैव टू फाइंड द रेंज की वो कौन सा इंटरवल काइंड ऑफ थिंग. ठीक है तो मिनिमम वैल्यू बताओ, सबसे पहले रेंज ही बता दो मुझे. सत्यम क्लोज इंटरवल आएगा जीरो पे. जीरो पे क्लोज ब्रैकेट. हाँ मैम गलती से लिख दिया. ओके ओके इट्स ओके. चलो सॉल्व करो इसको. मैम एक चीज मैं भूल गया अचानक से कि अगर पावर के ऊपर पावर है तो प्लस होगी मल्टीप्लाई. पावर के ऊपर मल्टीप्लाई. पावर के ऊपर पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है. पीरबख्श एक इसका नहीं गलत है, तुमने वैल्यूज पुट करी होंगी आई थिंक. मैम जो फॉर्मूला बताया उसी से होगा जो अभी पीछे बता रहे हैं. चलो ये वाला क्वेश्चन मैं कराती हूँ फिर एक तुम करना. ठीक है मैम दो मिनट बताओ. ओके अजी चलो एक छोटी सी डील कर लेते हैं, ये वाला मैं बता देती हूँ अगला तुम करना. कराऊं? यस मैम. हम करा दो एक. मानते हो हार? मैम हार न मार हार नहीं मानते. अच्छा नहीं मानते. मैम या तो ए है या तो आउट ऑफ सिलेबस है. फिर आउट ऑफ सिलेबस है ए तो. सीधा बोलो कौन के बारे. चलो देखो साइन सिक्स एक्स रेज टू दी पावर सिक्स है भाई, कोस रेज टू दी पावर सिक्स एक्स. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ऑफ एक्स का क्यूब प्लस कोस स्क्वायर ऑफ एक्स का क्यूब. यस और नो? यस मैम. एक आइडेंटिटी होती है दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली. इट इज इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब माइनस ऑफ थ्री ए बी ए प्लस बी. याद आया कुछ कुछ? मैम ऐसी एक और भी होती है. हाँ हाँ अभी तो अभी ये वाली देखो ये याद है. यस मैम उसको याद है. तो यहाँ पे ये लिख सकती हूँ दिस इज माय ए दिस इज माय बी दिस इज होल क्यूब माइनस थ्री टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स. अब क्या बन गया ये, इसकी वैल्यू बताओ जल्दी से क्या लिखो. व्हाट इज दिस? बहुत बचपन तुमने ये पढ़ी थी भाई आइडेंटिटी वाली. भी इधर भी ब्रैकेट में बन हो जाएगा. बस बचा यही ना, ये तो बन हो गया. दिस इज वन दिस इज वन. क्लियर है सबको? यस मैम. तो वन माइनस अच्छा अब ये साइन भी है कोस भी है, क्या साइन और कोस सेम टाइम पे सेम वैल्यू देते हैं? नो मैम. तो हम एक चीज में चेंज कर लेते हैं. 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 से डिवाइड. क्यों किया? क्योंकि ये बन गया मेरा 2 साइन एक्स कोस एक्स होल स्क्वायर. और ये किसके इक्वल होता है ये वाला पार्ट जल्दी से बता दो. दिस इज 1 माइनस 3 बाय 4 क्या लिखो? साइन 2x के बराबर होता है तो. यस दिस इज साइन स्क्वायर ऑफ 2x. यस और नो?
यस मैम। अब मुझे बताओ साइन स्क्वायर की वैल्यू, अभी मैंने बताया साइन स्क्वायर की डोमेन क्या होती है, साइन स्क्वायर 2x की डोमेन क्या, ये रेंज क्या होगी? 0.1 ना। हमारे पास क्या है, 1 - 3/4 साइन स्क्वायर ऑफ 2x है ना। तो एक बार तुम 0 पुट करो, मतलब मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू पुट करोगे तो 1 - 3/4 × 0 द आंसर विल बी 1। बट इफ इन केस हम मैक्सिमम वैल्यू पुट करें लाइक 1 ये वाली, तो क्या आंसर आएगा? 1/4 When sine square of 2x 0 था और ये आया when साइन स्क्वायर ऑफ 2x मेरा 1 था, तो हमें क्या फाइंड आउट करना था? अच्छा, अब ये किसने बिलोंग कर गया फिर, रेंज क्या हो गई अल्टीमेट, 1/4 to 1 ना, यस और नो? तो फिर मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/4 क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। द आंसर विल बी ऑप्शन सी। Yes, ma'am. जैसे पीरबख्श ने आंसर दिया था कि 1 आएगा, यहाँ पे ना एंगल सेम है और कोस और साइन सेम टाइम पे सेम वैल्यू नहीं देते होते, इज दैट क्लियर? यस मैम। जल्दी से बोलो भाई, जिसको क्लियर है जल्दी से थम्स अप करो। यस मैम। एक पीछे वाली स्लाइड को लास्ट, जस्ट अ मिनट, क्या क्या एक तो तुम्हारी आवाज स्किप हो रही है। यस बोलो मैम, पीछे वाली स्लाइड बोल रहा हूँ। हाँ हाँ खोल दी। तीन ही लोगों को ने थम्स अप भेजा, तीन ही लोगों को क्लियर हुआ। लास्ट स्टेप बताना है इसमें, साइन स्क्वायर ऑफ 2x की वैल्यू 0 to 1 के बीच में लाई करती है। एक बार हमने 0 पुट किया, हमारे पास आंसर आया 1, एक बार हमने 1 पुट किया उसकी जगह पे। लास्ट स्लाइड की, लास्ट स्लाइड पे क्या बताऊं, इससे पहले वाली स्लाइड का लास्ट पॉइंट। हाँ जी बोलो, कहाँ पे क्या बताना है, ये वाला पार्ट? यस मैम, ये जो आपने ब्लू से लिखा है, ये मैंने 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दिया इधर, क्यों किया, क्योंकि स्केयर था ना, और साइन 2 sin x cos x क्या होता है, साइन स्केयर ऑफ 2x हो जाएगा ना, ये साइन स्केयर स्केयर था बाहर। यस मैम। चले आगे। यस मैम। चलो, जैसे ही सेम क्वेश्चन आया आपके जेई में 2020 में, नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैम पक्का वैसा ही है? यस, कुछ कुछ थोड़ा सा आइडेंटिटी का ऊपर नीचे हो सकता है, बट हिंट दे देती हूँ, वहां क्यूब वाली लगाई, यहाँ स्क्वायर वाली लगाओ एंड देन सॉल्व इट। चीटिंग करा दी अब मैंने। मैम अब भी नहीं होगा, वो होता है ना एक वर्ड बता दो फिर हम लिख लेंगे सारा, काइंड ऑफ। मैम वो तो बस कहने के लिए होता है, पूरा बता दो तो भी। चलो भाई थोड़ा और बता दो। कोई नहीं, चलो करो, ट्राई करो। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी इसमें, ये तो बता दो, ये तो फर्स्ट स्टेप है। a + b का होल स्क्वायर - 2ab।
स्क्वायर सही सही ट्राई है फर्स्ट स्टेप इज करेक्ट ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट स्टेप अब इसका जो आंसर देंगे वो है विकास विकास राजपूत टर्न ऑन योर माइक क्लास से स्टार्ट करते हैं आज हम ये नहीं बोलते हैं क्लास में विकास आई एम ऑडिबल टू यू यस और नो वंशिका वैष्णवी सबको आवाज आ रही है क्या मेरी मैम आ रही है अब बोल इंद्रजान मुझसे विकास सुन रहे हैं ना तो विकास या फिर पारितोष या नेहा जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा इतनी इतनी देर लगा देते हो तुम छोटे छोटे क्वेश्चंस में आपके लिए छोटे क्वेश्चन है मैम आप जेई जेम में लेके घूमते हो कुछ भी सबसे अच्छा चलो ये बताओ सबसे टफ चैप्टर क्या सेट से लेके प्रोबेबिलिटी तक कौन सा है मैथ्स का सबसे टफ वन मैम सारे तो भी करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज ओके सीरीज एनसीईआरटी लेवल पे ज्यादा टफ नहीं है लेकिन उससे आगे जाएंगे वो थोड़ा सा टफ है वैसे मैम में भी इम्पोर्टेंट है ब्रो एनसीईआरटी पे कुछ है ही नहीं एनसीईआरटी तो कुछ नहीं है मैम कम्यूटेशन वाला हार्ड है कॉनिक सेशन है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मैम परम्यूटेशन तो बहुत इजी मैम भी आगे आएंगे शायद और कठिन देख रही हूँ मैं सबको अलग अलग चैप्टर्स कठिन लग रहे हैं सबसे कठिन सब्जेक्ट कौन सा है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स मैम क्या फिजिक्स टफ है सबका एक ही आंसर नो मैम कोई टीचर नहीं है ढंग का पढ़ाने वाला मैम केमिस्ट्री टफ है ऐसा तो नहीं है कि टीचर ढंग का नहीं है चलो पीर बख्श ने आंसर कर दिया बाकी लोग तो टफ और इजी में रह गए हम बताया तो था डी है क्या शायद अच्छा नेहा ने बताया था मैंने सुना नहीं यस विकास आप तो बोलो कुछ आपसे पूछा था वैसे तो चल लिख के ही बता दो माइक ऑन नहीं करते हो तो मैंने विकास को कॉल करके पूछा नहीं नहीं बस आई थिंक ही इज listening right now चलो जल्दी से मुझे ये बताओ अब हमें क्या दिया हुआ है cos raise to the power 4 theta plus sin raise to the power 4 theta lambda को मैं right hand side में लेके जा रही हूँ is that clear yes ma'am okay yes, ma'am. Now, हमारे पास identity क्या होती है a square plus b square is चलो एक मिनट रुको पहले इससे पहले ना ये वाला step लिख लो सब दैट इज इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना cos square of theta raise to the power 2 plus sin square of theta raise to the power 2 is equal to minus of lambda yes or no yes ma'am yes ma'am yes ma'am a square plus b square is equal to जल्दी से बताओ whole square minus 2ab a plus b whole square b minus का whole square minus 2ab सही बोल रहे हैं ये लोग करते सात करोड़ कर ही देते हैं गांधी का है दिस इज लाइक दिस एंड माइनस ऑफ टू क्या लिखूं यहाँ पे मैम कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा सो हमारे पास क्या रह जाएगा वन माइनस टू इज इक्वल टू माइनस लैम्डा भी चल रहा है भाई साथ में है ना वन माइनस टू कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्डा यहाँ तक हो गया सबका
हो गया मैम। यस मैम। सो व्हाट वी कैन डू, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें अगर, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 - 1/2 2 साइन ऑफ थीटा कोस थीटा होल स्क्वायर, है ना? बोलो। यस मैम। यस मैम। एंड अल्टीमेट व्हाट विल वी गेट, 1 - 1/2 अल्टीमेट हमें क्या मिलेगा, 1/2 साइन स्क्वायर ऑफ 2 थीटा। ये क्लियर स्टेप? यस मैम। यस मैम। तो साइन स्क्वायर ऑफ 2 थीटा की वैल्यू आ गई है अब हमारे पास 2 × 1 + λ। अब ये बताओ मेरे पास, मेरे को कि साइन स्क्वायर ऑफ 2 थीटा की रेंज क्या होती है? 0, 0, 1 तो ये हमारा किस में लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में ना? मैम ठीक है। यस मैम। माइनस टू इसको अच्छा ले जाऊं मैं, शिफ्ट कर दूं, ये तो सबको क्लियर है कैसे? मैम वैसे पहले स्टेप में ही हो जाता, 1/2 को अपॉन में लाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी सब मैम मल्टीप्लाई कर देते रेंज में। जस्ट अ मिनट, दिस इज 2 से हमने डिवाइड किया, हमारे पास क्या आया, -1 - 2 - 1/2। सो अल्टीमेट लैम्डा कहां से बिलोंग कर रहा है, यहां से। स्टेप बाय स्टेप चल रही हूं ना मैं तो। The answer will be D. Clear है सबको? Yes ma'am. Yes ma'am. सब clear? All clear? थीटा की रेंज एक बार बताना कैसे निकाली? साइन स्क्वायर 2 थीटा की रेंज क्या, कैसे निकाली? कैसे निकाली बताओ, साइन थीटा की रेंज क्या होती है, साइन 2 थीटा की रेंज? हम साइन स्क्वायर थीटा की तो वो 0 -1 से 1 तक। साइन स्क्वायर 2 थीटा की क्या हो जाएगी फिर? 0 से 1 तक। हम 0 से 1 तक ऐसे निकाली। क्लियर है? यस मैम। चलो आगे चलें। यस मैम। ओके, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, यू हैव टू ट्राई एट होम। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, सब बच्चे नोट कर लो। मैम एक बार क्वेश्चन बता देना, लास्ट में समझ नहीं आ रहा। हाँ बोलो, कहाँ से समझ नहीं आया? मैम जो आपने साइन स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 2 × 1 + में लैम्डा लिखा है, वहां से ये वाला पार्ट, ये वाला स्टेप ना? यस मैम। साइन स्क्वायर 2 थीटा, इसको मैं यहाँ ले गई ना लेफ्ट हैंड साइड पे, 2 × 1 + λ हो जाएगा इसकी वैल्यू, यस और नो? यस मैम। अब इसकी जो रेंज होती है किसके बीच में लाई करता है, 0 से 1 के बीच में, ठीक है? तो ये भी फिर किस में लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में। यस मैम। क्लियर है? बोलो यस मैम, नो मैम, क्या हुआ? यस मैम। यस मैम। जिसने लास्ट में ये वाला मैम, इससे नीचे, इससे नीचे तो क्या है, ये है फिर तो। इसके बाद देखो ना, 2 मैंने 2 अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 + 2λ, है ना? 0 से 1 तो एज इट इज था, फिर इसको ले गए हम शिफ्ट कर। मैम होमवर्क वाला क्वेश्चन दिखाना। एक सेकंड, -2 हमने दोनों तीनों साइड ऐड किया ना, समझ गए? जैसे इनइक्वालिटी करते थे। ओके मैम। यस, फिर 2 से डिवाइड कर दिया थ्रू आउट, इज दैट क्लियर? चलो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये घर से करके आना है। सुन रहा है सबको? यस मैम। एक ही क्वेश्चन दे रही, रूट तो निकल गया।
हाँ तो कोई बात नहीं, मैं कल ही डिस्कस करूंगी इसको, क्योंकि इस पे मेरे को मतलब एक समझाना भी है कुछ, ठीक है? तो आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यूज, ऐसा ऐसा हमने कुछ क्लास में भी कभी डिस्कस किया था। आगे चले? चलो एक आता है टॉपिक आपका कि जब आपके अच्छा जब आपके पास ये वाला फंक्शन हो, ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, प्लस हो चाहे माइनस हो, ठीक है? तो इसकी रेंज कैसे निकालते हैं? तो देखो अब हमें क्या दिया हुआ है, वाई इज इक्वल टू, अगर मैं लिखूं दैट इज ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, है ना? इस टाइप से अगर हमें फंक्शन गिवन होता है, इस केस में हम रेंज कैसे निकालते हैं? हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे अंडर रूट ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर से अगर, और डिवाइड भी कर दें लाइक दिस। ये तो हमारा रहेगा बाहर, अभी मैं तुम्हें मिलता जुलता ही फंक्शन बता दूंगी कि कैसे निकालना है। एक बार हमने लिखा इसके साथ दैट इज ए अपॉन अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर साइन ऑफ एक्स प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर कोस ऑफ एक्स। यहां तक क्लियर? कैसे किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया? दोबारा समझा दे एक बार। हमारे पास ये फंक्शन था वाई इज इक्वल टू ए साइन एक्स, अभी मैं प्लस का केस ले रही हूँ, बी कोस एक्स, ठीक है? मैंने इसको मल्टीप्लाई किया विद अंडर रूट ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर से और डिवाइड किया। यहां तक क्लियर, इस वाले स्टेप तक? दिस इज स्टेप वन। फिर हमने क्या किया, एक बार तो इस टर्म के नीचे लिखा इसको, डिनोमिनेटर को, एक बार इस टर्म के नीचे लिखा इसको, स्टेप टू। क्लियर है ये? यस मैम। ठीक है। अच्छा ये बताओ, यहां से इफ दिस इज अ ट्राइंगल, ठीक है, ये ए है, ये बी साइड है, ये थीटा है, और ये ए स्केयर प्लस बी अंडर द रूट है, ठीक है? तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए अपोन में ए स्केयर अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर क्या बनेगा इस ट्राइंगल को देखोगे जब? कोस ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा? मैम कॉस थीटा। यस। एंड व्हाट अबाउट बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? साइन थीटा। मैम साइन थीटा। दिस इज साइन थीटा कोस एक्स, है ना? अब हमारे पास अल्टीमेट साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, क्या फॉर्मूला बना? मैम वो मैम मैम साइन साइन ए प्लस प्लस एन मैम साइन एक्स प्लस वाई हाँ थीटा थीटा प्लस एक्स। अब हम जब एंगल में छेड़खानी करते हैं तो रेंज में चेंज होता है, यस और नो भी बताया था मैंने, नो मैम नहीं होता? अब साइन, अच्छा ये तो नो मैम ये समथिंग एम साइन ऑफ एक्स है, ठीक है? तो अब मेरे पास रेंज क्या थी इसकी, रेंज ऑफ दिस, मैम ये आ जाएगा माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और दिस इज माइनस एम टू एम ना? यस मैम ठीक है। तो फिर रेंज ऑफ, इस केस में रेंज क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स इज इक्वल टू मैम माइनस ऑफ ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द, ये क्लोज ब्रैकेट। यस। क्लियर? यस मैम। यस और अब हम लगा दे अगर माइनस साइन सबके साथ तो भी सेम रहेगा, ठीक है? ये यहाँ पे बस वो चेंज हो जाएगी ये टर्म साइन, या ये आ जाएगा कोस थीटा साइन एक्स माइनस ऑफ समथिंग, है ना? माइनस साइन थीटा कोस एक्स, तो वो ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, और रेंज तो सेम ही रहेगी, ठीक है? मैम हाँ जी। यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्यों नहीं बना? किसका फॉर्मूला मैम, बैक वाली स्लाइड पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्यों नहीं बना? ये थीटा प्लस एक्स ही तो लिखा ना? ओके मैम ठीक क्लियर है? हाँ जी। मैम हमने इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों करा? जस्ट टू डेराइव ना, कि कहाँ से आया, क्यों आया, ये वाला फॉर्मूला कैसे आया, कैसे रेंज फाइंड आउट करनी इसकी, नहीं हमें फिर यार क्या कह रहे मैथ्स में हो? मान ली, अगर करना हो मान ले
मान देनी, हर फॉर्मूला के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है कि कहाँ पे आया, क्या सोच के आया। म्यूट करवा दो। चलो मुझे ये बताओ, इसी से ही क्यों किया, जस्ट टू मेक इट सिंपलर ना, कि उसका फॉर्मूला पुटअप कुछ तो करेंगे हम लोग, ताकि हम उसकी रेंज इजीली फाइंड आउट कर पाए। मैम हमें कैसे पता इसी से करना है? तुम्हें कैसे पता लगेगा, बोलो बोलो, तुम किसी और से मल्टीप्लाई करके देख लो और फॉर्मूला ड्राइव करके देख लो, फिर मुझे रेंज फाइंड आउट करके बताओ। तुम बस क्वेश्चन करते हो, ये नहीं करते कि अगर मैं यहाँ पे चेंज करूं तो फिर क्या आएगा। सोल्व तो करो उसको बैठ के घर पे। अब सब चुप है। मैम करेंगे, मैम मैथमेटिशियन बन जाएंगे। हाँ करना, मेरे को भेजना फिर, ठीक है। जल्दी से बता दो मुझे इसकी रेंज। मैम -5.5 क्लोज ब्रैकेट -5। सोच लो, गलत है जिन्होंने भी भेजा। थैंक यू मैम। पीरबख्श एंड धनंजय, जरा क्वेश्चन देखो। रेंज ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इसका आंसर बताएंगी अरीबा चैट बॉक्स में, अगर आपके यहाँ नेटवर्क नहीं है तो, या नेहा, विकास, अंशिका कहाँ गए भाई, सारे दो तीन जने ही बोल रहे हैं। मयंक क्या लेफ्ट कर दिया क्या मीटिंग? यशरिया ने बताया मैम कमेंट आंसर पे। मैम सही है या नहीं ये बताओ। मैम क्वेश्चन तो देख लो, मैम ये आंसर सही है जिसने भी बताया। अच्छा तुम अपना नहीं पूछ रहे, किसका पूछ रहे हो, श्रिया का? मैम वो ही पूछ रहे थे, वो सही है कि नहीं है। यस मैम वो सही है, गलत है। यहाँ पे ए क्या है मेरा 5, बी क्या है 4, तो रेंज क्या हो जाएगी, ये ना -31.41। तो कैसे सही हुआ श्रिया ने, आई थिंक -4 से 4 लिखा है। मैम इतना आगे नहीं सोच सकते। यस मैम मेरा भी √41 निकला है, तो वही डाउट हो रहा था। -5 से 5 बोल रहे थे मैम, फिर आपने करेक्शन के लिए कहा तो 41 निकला था, फिर तो तुमने बोला ही नहीं। मैम अपन बोलने लग गए कि श्रेया का आ गया, मेरे को लगा सही होगा। मैम श्रेया तुम कंफ्यूज कर रही हो, देख लो सबको। चलो चले आगे, बताओ सबका हो गया ये? यस मैम हो गया। ठीक यस मैम, बाकी लोग दो ही जनों ने यस बोला, जिस जिसका वो आ गया समझ थम्स अप करो पहले, फिर चलते हैं आगे। तुम ना बस एक दो लोग ही बोलते हो, बाकी लोग तो यस मैम यस। श्रिया आपने देख ली अपनी मिस्टेक? यस मैम पता चल गई मिस्टेक। देख लो तुम दो बच्चों के मार्क्स कटवा देती अभी, ये तो पेपर नहीं था। चलो सॉल्व दिस क्वेश्चन देन, दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस। One thumbs up is enough. इतने सारे नंबर हो गए।
मैम आगे के क्वेश्चंस के लिए भी है। आगे के क्वेश्चंस मैम एडवांस में दे दिया है, एडवांस पर कुछ नहीं कर पाएगा तू। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। नहीं दिव्या, यू हैव टू डू कैलकुलेशन अगेन। विकास ये क्या लिख रहे हो आप 19, मतलब समझी नहीं मैं। I'm 19 raised to the power 1.5 like 3/2 होगी ना वो तो। मैम वो तो मैम 19 की पावर 0.5 होगी। हाँ मैम वो हाफ लिखने की कोशिश कर रहा था। Yes, the right answer will be root 19. मैम राइट आंसर तो आपने बता ही दिया, फिर वेट किसका कर रहे हैं मैम गलत आंसर का। यस कि कैसे किया, तुमसे ही पूछूंगी सबसे, मैं तो नहीं करा अब वो करने वाली। नहीं नहीं जिन्होंने का जिनका नहीं आया ना वो लोग बताएंगे। यस आप बताओ मयंक। कैसे लिखेंगे इसको, ये क्या है साइन है ना यहाँ पे, एक सेकेंड। आवाज आ रही है सबको? यस मैम। यस मैम। तो इसको साइन ए माइनस बी क्या होता है मयंक बताओ। साइन ए माइनस बी बता भाई। हम साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी भाई माइनस साइन थीटा कॉस पाई बाय 6 माइनस साइन पाई बाय कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा। ठीक है अब ये बताओ कॉस पाई बाय 6 कितना होता है? 1/2 रूट 3/2 and sin pi by 6 1/2 मैम 1/2 ये क्लियर है सबको? यस मैम।
तो हेयर थ्री कोस ऑफ थीटा माइनस फाइव बाय टू कोस ऑफ थीटा कितना हो गया? वन बाय टू कोस ऑफ थीटा प्लस फाइव रूट थ्री बाय टू साइन ऑफ थीटा. ये क्लियर सबको? यस मैम. नाउ वी हैव टू फाइंड द रेंज, द मैक्सिमम वैल्यू ना. तो सबसे पहले ये फाइंड आउट करो ना कौन से इंटरवल पर लाई करता है वो. तो रेंज क्या हो जाएगी? रिक्वायर्ड रेंज लिख रही हूँ मैं. सो रिक्वायर्ड रेंज विल बी दैट इज फाइव रूट थ्री बाय टू का स्क्वेयर कितना होगा? इसका स्क्वेयर ए इज इक्वल टू फाइव रूट थ्री बाय टू, बी इज इक्वल टू वन बाय टू. मैम निकल गया. 75 बाय 2. यही आया सबका? यस मैम. इट विल बी इक्वल टू मैम ये रूट 19. यस मैम ये आएगा. तो मैक्सिमम वैल्यू विल बी रूट 19. क्लियर है सबको? यस मैम. ऑल क्लियर गाइस? सब क्लियर है या सब कुछ ही क्लियर है? मैम सब कुछ क्लियर है. सब कुछ क्लियर है. चलो व्हाट यू हैव टू डू, एक वो होमवर्क क्वेश्चन करना है. दोनों में फर्क क्या है? किस में? सब क्लियर मतलब कि समझ आ गया, सब कुछ ही क्लियर कि कुछ भी नहीं, सब साफ? मैम सब कुछ क्लियर है. हाँ सब साफ ही है, वही देख रही हूँ मैं. नेहा ने भी यही बोला था. नो मैम. तब पता नहीं था, आपने डिफाइन नहीं किया है ना. चलो गाइस. अच्छा चलो मेरी एक बात सुनो सब. कल हमारा जो अब थोड़ा बहुत रह गया इसका जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाला, कल हम वहां से ही शुरू करेंगे. ठीक है, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें थोड़ा सा ट्विस्टिंग वाला पार्ट है, मतलब रिवीजन काइंड ऑफ, ताकि तुम अपना रिवाइज कर लो अच्छे से, मॉड्यूल अपना सोल्व कर लो. ठीक है, मैं फ्राइडे सैटरडे अवेलेबल नहीं रहूंगी, तो आप अपने जो डाउट्स हैं वो ग्रुप में डाल देना. मैं जैसे ही देखूंगी मैं रिप्लाई डाल दूंगी. ठीक है, बट क्लास नहीं लूंगी फ्राइडे सैटरडे. इसके बाद आपका संडे टेस्ट है ट्रिगो का. ठीक है, मेजर टेस्ट है. संडे को ऑफलाइन नहीं है? एक बार मैं कंफर्म करती हूँ, ऑफलाइन ही है. तुम्हारा ऑनलाइन ही होना चाहिए. मैंने पूछा था लोकेश सर, सर ने बोला था नहीं है 24 को. हाँ 24 को नहीं है, तुम्हारा एक को जाएगा. और अब जो तुम्हारा टॉपिक रहेगा 24 का वो ट्रिगो है. तो तुम अपने इन लेक्चर से गो थ्रू करना, कल वाले क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे साथ में. मैम जो एक को होगा वो तो पूरा आएगा ना ट्रिगो तक का. उसमें आपके तीन टॉपिक्स आएंगे, फंडामेंटल्स, सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है, तो वो भी अपना रिवाइज करते रहो साइड बाय साइड. और अगर आपके एक्सटेंड होते हैं, मतलब ये स्कूल फ्रॉम होम वाला कॉन्सेप्ट, तो फिर आप अपना और मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस को दो. क्लासेस तो आप लेते ही हो थोड़ा जल्दी उठ के, या फिर जो भी आपका जैसे भी टाइम टेबल है, कोशिश करो मॉड्यूल से गो थ्रू करो, क्वेश्चंस करो, सेंड करो कि ये दिक्कत आ रही है, डाउट ग्रुप में भेजो सब लोग. क्लियर है सबको? मेरे सोल्व कराने से कुछ भी नहीं होगा. मैं तो यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन करा देती हूँ तुम्हें सोल्व. तुम्हारे ऊपर है तुम कितने क्वेश्चन को कर पाओगे. इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया है? डोमेन रेंज और ग्राफ सब पढ़ लिया ना. रेंज ऑफ टेंजेंट स्क्वायर एक्स क्या थी बोलो मैम? आर. रेंज ऑफ टेंजेंट स्क्वायर एक्स मैम रियल नंबर मैम. आर. टेंजेंट स्क्वायर एक्स मैम 0, ∞. 0 इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड? इंक्लूडेड. यस. अब देखो तुम आर बोल रहे हो क्या? क्या जाग रहे थे तुम क्लास में? मैम स्क्वायर नहीं सुना मैम. अच्छा. चलो तो तुम अब, चलो अब अपना कोई प्रैक्टिस करो ट्रिगो का. कल हम एक इसका लास्ट लेक्चर रखेंगे विद रिवीजन आल्सो.
ठीक है, ठीक है मैम। बाकी पोल्यूशन से बच के रहो, करते रहो, बाहर मत घूमो। ओके गाइस, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट मैम, कंसिस्टेंट हो। गुड नाइट मैम। हाँ, पढ़ते अब पढ़ नहीं रहे हो तुम लोग, अपना पढ़ाई में ध्यान दो। जी मैम। यस।